हे पीपल्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन, ग्रेट, डूइंग वेल एंड वॉचिंग माई वीडियोज। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड और प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। यहाँ स्टूडेंट होते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करने वाला एम्प्लॉई, दोनों को नीड होती है प्रेजेंटेशन की, दोनों को। बात तो सही है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, लाइक जैसे कभी कभी हम पर वर्कलोड ज़्यादा होता है और कॉलेज में हम थोड़े बिजी होते हैं, तो कोई प्रेजेंटेशन बनानी होती है, हम नहीं बना पाते, टाइम नहीं मिलता, या एम्प्लॉय होता है उसको प्रेजेंटेशन बनानी होती है या पीपीटी बनानी होती है, तो टाइम नहीं मिल पाता, हम बना नहीं पाते। तो मैं ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिस पे सिर्फ आप टाइटल या टॉपिक डालेंगे तो आपको 15 से 20 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन आपके अकॉर्डिंग, आपके नीच के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी बना बनाया। अब उसमें एडिटिंग करके जो भी अपनी तरफ से एडिटिंग करना चाहो उसमें एडिटिंग हो जाता है। स्लाइड ऐड करनी है, रिमूव करना है, कोई पिक्चर ऐड करनी है या कुछ भी उसमें कस्टमाइजेशन करनी है, यू कैन डू योर सेल्फ। तो मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। वेबसाइट का नाम है slides.ai। तो आपको वहाँ पर मैं अभी स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा थोड़ी देर में, अपनी स्क्रीन पर ले जा करके साइड में देख लेना आप। तो मतलब काफ़ी हेल्पफुल है वो, मतलब आपको लाइक कल लास्ट डे होता है जैसे किसी को सबमिट करनी है अपनी प्रेजेंटेशन, तो रात को बना करके उसमें एडिट करके आप सबमिट कर सकते हैं। लाइक किसी को अगर स्कूल से डांट खाने से बचना हो, या अपने बॉस से डांट खाने से बचना हो, या किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई काम कर रहा हो तो उसको रिपोर्ट तैयार करके देनी हो, प्रेजेंटेशन बनानी हो, लाइक जैसे अगर आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है इमीडिएटली, आपके पास टाइम नहीं था, तो आपको उस वेबसाइट पर जाके काम कर सकते हैं। लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करता ज़्यादा यूज़ करें, कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आप खुद से अगर अपना माइंड लगा करके उसमें पीपीटी बनाएंगे तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा। बात तो सही है। उसमें क्या है, आपको एआई की तरफ से कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, आप उस पर ज़्यादा इतना फोकस करेंगे नहीं, सिर्फ आपको छोटी मोटी चीज़ें कस्टमाइज़ करनी होंगी। तो मेरा कहना यही कि है कि ज़्यादा मतलब ये है कि उसमें इंडल्ज ना हो अपने आप को थोड़ा। ये वीडियो आपको इसलिए बना करके बताया, लाइक ना होने से कुछ तो होना बेहतर है, इसलिए मैंने ये वीडियो इस वेबसाइट के बारे में आपको बताया है। लाइक आपको कॉलेज में डांट सुनने को ना मिले, या आपके बॉस से आपको सुनने को ना मिले, तो इस वजह से मैंने इस वेबसाइट के बारे में बताया है। दैट्स इट, एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड थैंक यू।